बगल वाला जो हो गया ये। Hey guys, welcome back to my blog. I am Anand and today is 19th of September 2021 Sunday and today we are going to celebrate Anand Chaturdashi. So happy Anand Chaturdashi to everyone. और आज जो है मैंने बहुत सारे अनंत भी परचेज करके लाए हैं, ये देख रहे हैं, अपने फैमिली के लिए भी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू मैनी पीपल। और अभी जो है फिलहाल मैं नहा धो के पूरा पूजा पाठ कर चुका हूँ और मुझे जाना है राजनगर क्योंकि मेरा भांजा लोग आ रहा है कुछ फ्रेंड्स लोग के साथ फोटोशूट पे, तो वहाँ मिलते हैं। चलिए ब्लॉग बने रहिएगा एंड यस इफ़ यू आर न्यू टू माई ब्लॉग देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फाइनली जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा भांजा आ रहा है अपने कुछ मित्र के साथ हमें से मिलने के लिए और साथ ही में कुछ घूमना फिरना भी है राज पैलेस, तो अपना अपना सब इंट्रो दे देंगे। हेलो, नाम बता दो। नाम दीपक। हेलो, माय नेम इज रवि। तुषार। माय नेम इज रवि। ये चूतिया है। अरे भाई, एडिटिंग प्लस नहीं होता है। नहीं कर देंगे, तो अभी पूरा टूर वगैरह करेंगे और उसके बाद सारा कुछ आपको ब्लॉग में डाल देंगे। आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसको भर के ट्रॉल किया जाएगा, भर भर के देखिए क्या किया जाएगा इस चूतिये के साथ। अच्छा, देख लीजिएगा, पूरा ब्लॉग में डालेंगे, देख लीजिएगा इस चूतिये के साथ। देख लीजिए, कैमरा पकड़ने का लूर नहीं है, पकड़े हैं कैमरा, देख लीजिए अभी से ही। भाई ट्रिप फ्री में आए हैं, नो पैसा, जेब खाली दोस्त, इसको बोलते। ये एक मंदिर हो गया और इधर तो सारा ये SSP कैंप हो गया। पता नहीं कैमरा अलाउ है या नहीं, देखना पड़ेगा, अलाउ होना चाहिए। और उधर कुछ खंडर्स वगैरह हैं, उधर भी ले चलेंगे अभी। और ये मित्र हो गया, क्या नाम बताए थे अपना? मेरा नाम तुषार था। तुषार, तुषार जी, ये एक्चुअली में मंदिर है, हम लोग दरभंगा से हैं और इसे देखना है एग्जैक्टली। एक चूतिये को भी लाया साथ में। शुरू हो गया, देख लीजिए। वो जो नहीं होता है टीवी में, टीवी एंकर लोग, एंकर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं AKC ब्लॉग्स में आ पाऊंगा। वही ये आई एम आनंद ब्लॉग्स है, AKC ब्लॉग्स बंद कर दिए। वही आई एम आनंद ब्लॉग्स में। हे गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो आनंद ब्लॉग्स। रखवाली थोड़े करना है, किस्मत को थोड़े चोरी कर। ये रहा घंटा, इसको बजाना मना है लेकिन लोग बजा रहे हैं फिर भी। इधर फोटो शूट चल रहा है और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे ऑपरेट करने नहीं आता है, तो अभी सीखेंगे इन लोगों के साथ। फोटोग्राफर को देखिए, यस, हमारे मॉडल को देखिए किधर गए। हाय, ये देख रहे हैं इसी में बकरियों सबका जो है हलाली होता है, बलि प्रदान, इसके अंदर डाल के अब फटाक से मार दिया जाता है कटक। मंदिर देख सकते हैं और यहाँ देखिए मामा फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, देखिए तुषार मनी फ़ोटो खींचते हुए, मामा फर्स्ट टाइम फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अपने कैमरा से, नया कैमरा लिए हैं कैनन 200D, देख सकते हैं कैमरा। फोटोग्राफर मामा का पोज अभी बंद हो गया, देख लीजिए, देखिए फ़ोटो देखते हुए कैसा आया फ़ोटो, ज़रा इन लोग को भी दिखा दीजिए। ठीक ठाक आ रहा है, इससे अच्छा तो फ़ोन से आ जाता है टीचर। नहीं, वो एडिट कर दीजिएगा, कैमरा में ऐसे ही आएगा। ठीक ठाक आ बोले ना, ये फ़ोटो शूट। Oh, 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 oh
आपको दिखाना चाहता हूँ, देख रहे हैं ये हमारे एंशियंट टाइम का जो ये सारे मोनूमेंट्स हो गए, मोनूमेंट्स ही बोलेंगे इसको, देखिए टूट रहे हैं बट कोई जो ध्यान नहीं दे रहा है इस पर, टूट टूट के गिरते जा रहा है। इधर तो देखिए पूरा खंडर हो गया, बट गवर्नमेंट भी जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, नहीं तो बिहार वैसे ही गरीब है, अगर इस सब पे ध्यान जाता तो आज बेस्ट टूरिस्ट प्लेस होता ये मधुबनी का राज पैलेस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्ट का सबसे बेहतरीन नमूना है ये सब, और वो भी आज से कई सालों पहले का ये सारा मोनूमेंट्स हो गया। ये तो काली जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए ये चारों तरफ ये टूटता जा रहा है बट कोई ध्यान नहीं दे रहा, सेम ऑन बिहारवासी सेम ऑन। भी गवर्नमेंट इन सब पे ध्यान दे तो कुछ सुधर सकता है। देख रहे सारा कुछ टूट टूट के बिखरते जा रहा है, कलर डिसकलर हो चुका है, सारे मार्बल्स टाइल्स जितने भी लगे हुए हैं सारा कुछ का। और बगल में SSB कैंप है, ये चीज़ आप लोग को बता दूँ, SSB कैंप है बट नो वन केयर्स अबाउट इट। तो ये बहुत ही दुखद समस्या है, बिहार का ये सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हो सकता था अगर इस पर थोड़ा सा अभी ध्यान दिया जाता तो। सेम एज़ LNMU, वो भी एक राज पैलेस है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी में, तो वो तो अभी कंट्रोल में, बट ये सारा टूटता बिखरते जा रहा है सारा मोनूमेंट्स, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा दिखलाऊंगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो है शेयर करिएगा, एंड एटलीस्ट किसी न किसी गवर्नमेंट पार्टी के पास जाना चाहिए ताकि इस पर ध्यान दिया जाए अच्छे तरीके से। ये हमारी जो है धरोहर है, प्राचीन काल की सारे धरोहर बोल सकते हैं, जो कि अब टूटता बिखरता जा रहा है, खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। आज के समय में इस चीज़ का जो आप कीमत लगा नहीं सकते हैं, कितने सारे भूकंप को इन्होंने देख चुका है। ये हमारे दरभंगा महाराज जी हो गए, ये देख रहे हैं, ये सारा आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल हो गया पूरा, ये राज कैंपस का ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, अब तो पूरा टूट फट गया है, देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा, और वो फिर वो टूट चुका है, और ये बहुत दूरों तक फैला हुआ है। ये देख रहे हैं ये मंदिर जो है, इसके ठीक ये नीचे साइड से रास्ता आने वाला इधर से, और वो बगल में घंटा हो गया, देख लीजिए, उसको बजाना मना है फिर भी लोग बजाते हैं। पता ही होगा कि इंडिया में जो है रूल्स तोड़ना हर एक का शौक होता है, और अक्सर जो है न्यू ईयर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, मेला टाइप का लगता है, पूरी तरह से लोगों से भरा रहता है, तो हम आते हैं अक्सर, तो ब्लॉग में बने रहेंगे फिलहाल। ये सोए हुए बजरंगबली होगा, और यहाँ की ये सबसे ख़ास बात है, बगल में नदी हो गया, और हम अभी वहाँ थे, यहाँ गए थे, ये काली जी का मंदिर है बहुत ही खूबसूरत, बट अब जो ये टूट फूट रहा है तो ज़रूर इस पे ध्यान देना बनता है। और इधर ये पूरा SSB कैंप हो गया, इधर वीडियो लेना मना है, तो उस हिसाब से देखते हुए ये देख रहे खंडर होते जा रहा है पूरी तरह से। फिलहाल सुबह में मौसम ठीक था, बट अभी जो देख रहे हैं धूप बहुत तेज़ है, और फोटोग्राफी करते करते हम लोगों का पूरा बुरा हाल हो गया पसीने से। पीछे देख रहे हैं ऑसम व्यू है, राजनगर पैलेस वहाँ पे रखा हुआ है। ये जो है हनुमान जी का मंदिर हो गया, और यहाँ आप देख रहे हैं ये पहले कैसे हनुमान जी हैं जो सोए हुए हैं, सोए हुए अवस्था में हैं, और एक जो है मंदिर के अंदर में बहुत ही बड़े विशालकाय वो खड़े अवस्था में हैं। ये भी यहाँ का एक बहुत ही ख़ास जगह हो गया देखने लायक,
तो अगर आप आते हैं तो ज़रूर यहाँ भी विजिट करिए। काली मंदिर के बाद ठीक ये आता है, उसके बाद आपको खंडहर सब मिलेगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना है और जो कि अब खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। केयरलेस की वजह से गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वरना ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेस होता। आज यहाँ हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट फॉरेन से आते हैं घूमने के लिए। ये खंडहर हो गया, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं आप। अगर थोड़ा सा भी इस पर मेंटेन किया जाता तो ये देखिए आज का ये बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस होता। ओ भाई डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन देखिए, देखने लायक है। भांजे लोग का चल रहा है फोटो शूट। अभी गए थे काली मंदिर, व्हाइट वाला जो मंदिर था, उसके बाद गए हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के बाद ये खंडहर, एंड देन उसके बाद ये पीछे वाला जो खंडहर देख रहे हैं अभी वहाँ जाएंगे, एंड उसके बाद एक और खंडहर है, एंड उसके बाद फिर जो है एक और खंडहर है, खंडहर है। ठीक है, आज मुझे खंडहर कहना पड़ रहा है क्योंकि ये सच में खंडहर हो चुका है। अगर गवर्नमेंट ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता। तो पूरा एक ओवरव्यू दूंगा, पूरा टूर दूंगा, एंड होपफुली आप इंजॉय करेंगे। अगर आप बिहार से होंगे तो ज़रूर इसको ज़रूर शेयर करिएगा, एंड अगर आप मोनूमेंट्स या फिर एंशियंट जो जितने भी हमारे ये पैलेस वगैरह हो गए इसको विजिट करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार बिहार विजिट करिए, बिहार राजनगर। और इसका जो मैं आने का भी ब्लॉग दे दूंगा, मधुबनी से कैसे आते हैं वो भी है मेरे पास। तो इसको मैं देखता हूँ दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, आने जाने का एक अलग और पूरा टूर का जो है राज पैलेस का एक अलग। घूम फिर लिए बहुत ज़्यादा, धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत लग रहा है, इसी वजह से जल्दी निकलना पड़ रहा है, बहुत जगह हम लोग नहीं जा पाए। देखने में बहुत सही लग रहा है, बहुत पुराना है, देख लीजिए आपको ऐसे ही हम दिखा दे रहे हैं। मंदिर भी नहीं जा पाए उस कंडीशन, ये देखिए गेट है, बाहर जा रहे हैं हम लोग। देखिए मंदिर, इसमें भी हम लोग नहीं जा पाए। देखो हाथी, देखिए वो हाथी, हाथी वाला हो गया है, ये सारा कुछ हम लोग घूम नहीं पाए। देखिए ये दो चोमू हम लोग के साथ आए थे दरभंगा से, और ये लोग भी आए हैं दरभंगा ही से। इधर ले लो, इसके बाद अपने लोग का ले लो, बस मामा जी का ब्लॉग में थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। देख लेते हैं, वैसे तो मामा जी का हर ब्लॉग देख रहे हैं, हर जगह का ब्लॉग डालते हैं, न्यू न्यू टाइप का एक्सप्लोर बिहार करते हैं। सुन लीजिए मामा के मुझसे खुद, एक्सप्लोरिंग बिहार, बिहार में बहुत खूबसूरत जगह है, बट हम लोग इसको इग्नोर करके सारे जो है खूबसूरती बिहार का ख़राब करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान नहीं देती है, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है, और इस वजह से मैं यहाँ स्पेशली ब्लॉग बनाने आया हूँ कि लोगों की नज़र जाए कि बिहार में ऐसा भी कुछ है
जो टूरिस्ट प्लेस टाइप है और लोग इसको विजिट करें, यह कि बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिहार हो के बिहार के चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, खाली नाम का बिहारी बिहारी है करते हैं। आप भी आइए इधर घूमिए वगैरह, आप देखिए अच्छा अच्छा प्लेस है अंदर में भी। फिलहाल हम लोगों का जो है ये राजनगर पैलेस का ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है, इस वजह से सभी का हालत ख़राब हो चुका है। सुबह से कोई खाए पिए नहीं देख है, पूरा पसीना चमक रहा है चेहरा पे। तो जितना हो सका मैंने पूरा कोशिश किया आप लोग को राजनगर का पूरा टूर देने का, राज पैलेस का। तो अभी ब्लॉग में और घूमेंगे फिरेंगे, उसका भी दे देंगे, ठीक है। तो अभी राज पैलेस के लिए समाप्त करता हूँ इस ब्लॉग को, ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए फोटोग्राफी का सड़क को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए आट 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 ये बीच सड़क भैया, एंड फोटोग्राफर को देखिए। भाई तो बाइक लेके चलते हैं तो क्या करेगा। मिथिला चित्रकला संस्थान, एक बिल्डिंग ये हो गया। यहाँ पे वो सेल्फी लो स्टूडियो में आने के लिए, ये एक सेकेंड एंट्री गेट हो गया। ये डायरेक्टर रेसिडेंस जो हो गया, ये आपको हो गया डीएम ऑफिस और सामने वाला उसका बगल वाला जो हो गया ये आवास हो गया ना उनका, आवास हो गया। और इसके पीछे वो वाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं वो गर्ल्स हॉस्टल हो गया, और सारी बिल्डिंग्स है जो उधर हैं उस तरफ हैं, जो इधर परीक्षा पढ़ने वाला ठीक है। ये मेन बिल्डिंग हो गया कॉलेज का, इसी के अंदर एग्जाम्स वगैरह होगा। हम लोग जो है फिलहाल अभी आए थे मिथिला पेंटिंग यूनिवर्सिटी, बट एंट्री नहीं मिल रहा है। हमने कहा था गार्ड साहब से बट उन्होंने एंट्री दिया नहीं, तो फिलहाल बाहर से लौट के जाना पड़ रहा है। और एक अंकल जी हो गए जिन्होंने हमें पूरे डिटेल में बताया है कि कौन सा जो बिल्डिंग क्या क्या है। तो फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल में इसका देंगे ब्लॉग। इसका फिर से तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गया, अभी ऑक्सीजन लगा है। और बच्चों पे ध्यान देना भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, मौसम सडन चेंज हो रहा है, गर्मी ठंडी इस सब वजह से ही। तीन दिनों से जो है देख रहे हैं परेशान है, परी के लिए बहुत ज़्यादा बीमार है जीजाजी दीदी परी हम। तो इसको लगेगा 4 घंटा ऑक्सीजन, उसके बाद फिर भाप लगेगा, 4 बार भाप भी लगेगा एक एक घंटे के इंटरवल पे। और अभी इंजेक्शन लगा है, जितना हो सके अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिए, बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आज बहुत थक गए, भांजा और उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे, हम लोग राजनगर गए थे, वहाँ फ़ोटोशूट वगैरह चला, फिर घूमे फिरे कुछ खाए पिए, फिर वो लोग यहाँ आए, फिर हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी भी गए थे बट वहाँ एंट्री नहीं मिला, इस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, उसका ब्लॉग नहीं बना पाए। फिर मेरी जो भांजी है परी रानी, उसका तबीयत ख़राब ही था, एक दो दिन से वो डॉक्टर के पास आ ही रही थी और आज भी आ गई, तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा और पूरी तरह से मैं थक गया हूँ। और देखिए ये अनंत है, पूजा हो चुका है, मैं इसे अपने बाह में पहन लूँगा। तो सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर दूँ।